दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में भारत के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को काफी संघर्ष करना पड़ा और 20 ओवरों में वह केवल 145 रन ही बना सकी। वहीं 20 ओवरों में डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 39 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को इस मुकाबले में एक हद तक तो बनाए रखा, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण टीम इंडिया लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और यह मैच 4 रनों से गवा बैठी। तो दोस्तों आखिर टीम इंडिया ने इस मैच में कहां पर गलती करी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।